हेलो, इस वीडियो में आज हम लोग एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन जो 2018 में कंडक्ट की जाएगी, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर उस एग्जामिनेशन को कैसे निकाला जाए, क्या क्या तरीका अपनाया जाए, क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप की जाए कि एग्जामिनेशन हम अच्छे से निकाल पाएँ, और क्यों स्टेट बैंक के लिए पढ़ा जाए। ये उनके लिए हेल्पफुल वीडियो है कि जो लोग भी इस बार बैंकिंग के एग्जामिनेशन से किसी कारण से एलिमिनेट हो चुके हैं, जो कि हमारा पीओ और आरबी एग्जाम हुआ उसमें अगर नहीं निकल पाए या क्रैक नहीं कर पाए, या जिनका इंटरव्यू आ गए, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि एसबीआई के लिए पढ़ा जाए। हमारे पास में 6 महीने का लगभग समय है, क्योंकि एसबीआई के पेपर लगभग अप्रैल या मई में कंडक्ट कराई जाती है। तो अगर हम आज से भी शुरू करते हैं तो 6 महीने के भीतर भीतर में आराम से अपना सिलेबस और सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम प्रकाश है और मैं 2 साल से लगभग महिंद्रा में पढ़ाता था और अभी मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ। नेक्स्ट बात है, आखिर एसबीआई ही क्यों किया जाए? तो कुछ कुछ बेनिफिट है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। बैंकिंग सेक्टर को एक स्टेबल सेक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि ये लंबे समय से 50-60 साल से तो कम से कम आज़ादी के बाद बहुत ऐसे चल रहा है और चलेगा, ये जाएगा नहीं कहीं। वो लोग जो बातें बनाते हैं कि बैंकिंग सेक्टर डाउन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस थोड़ा डाउन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको लोग नहीं चाहिए, उनको इम्प्लॉय चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्वालिटी इम्प्लॉय चाहिए। अब आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन का पैटर्न कितना चेंज हो चुका है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक पीपल को खोज रहे हैं कि जो हर तरीके काम कर सके। तो जैसा सिनारियो चेंज हो रहा है, हम लोग को भी अपना प्रिपरेशन वैसा चेंज करना हो कि उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सके। आखिर एसबीआई ही क्यों? सबसे पहली बात कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, ये अपने में एक सबसे मज़ेदार चीज़ है। और आप रिसेंटली अगर एक सर्वे देखे होंगे indeed.com का, तो उसमें बताया कि एसबीआई जो भारत की वो तीसरी सबसे बड़ी बढ़िया कंपनी है जिससे उसके एम्प्लॉय खुश हैं, ठीक है। तो ये अपने बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि एक ऐसी जॉब है मतलब जिसमें सोशल इकोनॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आप जाते हो, आप किसी को पूछते हो भाई किधर जॉब करते हो, कोई भी कंपनी का नाम बताता है, आप पूछते हो अच्छा ये किधर है। एसबीआई के केस में कभी नहीं होने वाला। आप बोलोगे किधर हो, आप बोलो कि मैं एसबीआई में जॉब करता हूँ, काम खत्म हो गया, अगला आपको अब दूसरी नज़र से देखेगा। तो एक जॉब में वो चीज़ मिल जाना, सोशल रिकॉग्निशन, वो बहुत यूनिक है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो लोग इसके लिए भी करते कि भाई मेरे को पहचान चाहिए। वर्क एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी भी काफ़ी कम है, क्यों, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा। जब आप 4-5 साल में ब्रांच में जब बन जाओगे तो आप सारा काम अपने मन से कर सकते हो, बाकी दूसरी जॉब में इतना आसानी से चीज़ नहीं मिलता है। तो ये भी अट्रैक्ट करता है कि आप पावर चाहते हो वो मिलेगा आपको। अलग अलग सेक्टर में, डाइवर्स सेक्टर में जॉब काम करने का मौका मिलेगा, जैसे लिखा ना ऑपरेशन, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट, रिस्क, ऑडिट, ये सब। तो बहुत हर आदमी को अलग अलग सेक्टर में डालेंगे तो मज़ा आने वाला जॉब में ये। दूसरा, बाहर में भी जाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इसकी काफ़ी ब्रांचेज बाहर में भी है। आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ एग्जामिनेशन होता है, अगर आप उसको क्लियर करते हो तो बाहर भी जा सकते हो। तो ये भी मौका है आपको एक्सप्लोर करने का पूरे वर्ल्ड को। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये पब्लिक सर्विस का पार्ट हो गया, कि आप कॉमन लोगों से जा करके कॉमन लोगों के लिए, उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो हर कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं जा करके लोगों का सेवा कर पाऊँ, तो ये कम से कम वो मौका आपको देता है। मॉनिटरी बेनिफिट पे आ जाएं तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, आप देख सकते हैं जो है, आप पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है कि हाउस लीज रेंटल फैसिलिटी है। अभी क्या है कि आपके रहने का जो भी खर्च होता है ना, 10,000, 12,000, 15,000, इवन 20-22,000 रुपये तक आप जो भी रेंट लेते हो ना घर का, वो सारा का सारा आपको एसबीआई पे करेगी, यानी कि आपके रहने का कोई पैसा नहीं लगेगा, वो सारी की सारी एसबीआई पे करेगी। ट्रैवलिंग का पैसा मिलना आपको, फ्यूल का पैसा मिलना, मेडिकल का मिलना, 100% मेडिकल का मिलेगा आपको, आपके फैमिली का, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, इस तरीके का बहुत सारे अलाउंसेस, मतलब जो आप डे टू डे इस्तेमाल करते हैं। घर के लिए आपको पैसा देते एक तरीके का, 1.5 लाख का वन टाइम सपोर्ट देते हैं कि आप अपने घर में फर्नीचर वगैरह ले सको, ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सस्ते रेट पर घर आना जाना, फुल फेयर का रिइम्बर्समेंट कर देते हैं। सबसे यूनिक चीज़ है मेडिकल रिइम्बर्समेंट। क्या होता है कि आज के डेट में हम देखते हैं ना कि थोड़ा भी अगर कोई बीमार पड़ गया घर में तो 10,000-12,000 तो इसी तरह चला जाता, और अगर कोई सीरियस बीमारी हो गई किसी भी तरीके की फैमिली में किसी मेंबर को, कितना पैसा जाएगा कोई नहीं बता सकता, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक। एसबीआई में क्या है कि आप और आपके डिपेंडेंट, आपके भाई हो गए, आपके माता जी हो गए, आपके बच्चे हो गए, जितने भी ऐसे लोग हैं ना, इस सारी की मेडिकल की फैसिलिटी की जिम्मेवारी एसबीआई की हो जाती है। यानी कि आप एक एंड से पूरी स्टेबल हो जाए, मेडिकल में आपका कोई खर्च नहीं होना है, और आपका तो वो पूरा जिम्मा लेती है एक तरीके से, काफ़ी सस्ते रेट पे, 6% या इस तरीके के रेट पर आपको होम लोन मिल जाता है, वो भी सिंपल।
तो आप अगर घर बनाना चाहते हैं, बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। हाउस लोन, कार लोन, किसी भी तरीके के लोन ये काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। पेंशन वगैरह ये सब तो सारी बैंक में होता है, इधर भी है, वो सब भी यूनिक पार्ट है अपने में। तो इस चीज़ को लेकर के हम अट्रैक्ट होते हैं कि चलो भाई एक ऐसा कैरियर है जहाँ ये सब चीज़ें मिल रही हैं, बाकी आप दूसरी जगह पर जॉब करो तो शायद ना मिले। तो ये कुछ बेनिफिट ज़्यादा देती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो बुलेटेड पॉइंट है कि सोशल रिकॉग्निशन हम डिस्कस किया, फैमिली फ्रेंड में भी बहुत यूनिक है, आप समझ सकते हैं। स्कोप टू रीच द टॉप फील्ड, मतलब आप जैसे इस एग्जांपल ले लें, जो भी एक्स चेयरमैन थी हमारी एसबीआई की अरुंधति भट्टाचार्य, वो भी एक समय में पीओ के रूप में एंटर करी थी और आज जब रिटायर की हैं तो चेयरमैन के रूप में रिटायर की। जो अभी है मिस्टर रजनीश, वो भी एसबीआई में पीओ के रूप में एंटर किए थे, आज वो चेयरमैन बने हैं। तो ऐसे लोग जो 22, 20, 23 की ऐसी उम्र में जाते हैं ना, उनके पास में एक लंबा कैरियर है, और वो अगर अच्छे से काम करते हैं तो उनके पास मौका है कि वो भी चेयरमैन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक है कि आप एक सिंपल जॉब शुरू करो और आप चेयरमैन बन जाओ उस इंस्टीट्यूशन के। और ऐसे भी ऐसी इंस्टीट्यूशन के जो वर्ल्ड की 50 सबसे बड़ी बैंक में आती है, वो भारत की सबसे बड़ी बैंक है। तो ये अपने में अट्रैक्शन का पॉइंट है। अलग अलग पूरे भारत में ट्रांसफर मिलेगा, आप अलग जगह पे जाओगे, घूमोगे, नॉलेज लोगे, सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। मॉनिटरी पैकेज, जो मॉनिटरी सपोर्ट है, वो बहुत यूनिक है, उसको देखते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि पैसा कितना देती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो सैलरी का स्ट्रक्चर लिखा है कि 27,620 रुपये ये बेसिक पे होगा। और सिंपल देख लेते कि बेसिक अगर 27,620 है ना, तो 51% डीए मिलता है, डीए ने सलाम महंगाई के अकॉर्डिंग वो देते हैं। तो आप अगर दोनों को जोड़े तो आपका सीधा कैश कंपोनेंट ही जो हो गया वो हो गया 40 से 42 हज़ार रुपये के आसपास में। प्लस आपको ढेर सारा बेनिफिट, पेट्रोल का अलाउंस 2-3 हज़ार रुपये मिल जाएगा, घर का कुछ, घर का भी आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर, हाउसिंग, ये सब एक्स्ट्रा मिला जुला करके आप देख सकते हैं कि जो कैश का पैसा यहाँ पर बनेगा ना, वो लगभग 50 से 55 के अकाउंट मिलेगा, इतने कम से कम मिलेंगे आपको। उसमें डिडक्शन होगा कुछ, जैसे आपका पेंशन का पैसा कटेगा, पीएफ का पैसा, ये सब कटेगा, इनकम टैक्स हो सकता है ज़रा सा कट जाए, फिर भी आपको कम से कम हाथ में 42 से 47 मिलेगा। अब 42 से 47 क्यों? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जॉब करते हैं तो वहाँ पे कुछ कम पैसा मिलता है वहाँ के अकॉर्डिंग, और आप शहर सेक्टर क्षेत्र में रहते तो इतना। और ये सारा पैसा ना ज्वाइनिंग के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लंबा समय काम करना है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और पहले महीने से आपको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और हर साल आपकी इनकम में 2 से 3 हज़ार की तो डेफिनेट ग्रोथ होगी। तो हर साल आप 3-4 साल के बाद में आपका सैलरी बढ़ेगा, उसके बाद में आपका रैंक बढ़ेगा, ग्रेड बढ़ेगा, तो उसके अलावा तो और भी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि पैसे के मामले आप निश्चिंत हो जाएंगे एक तरीके से, कि कम से कम हाथ में आप कह सकते हैं कि 45 हज़ार रुपये मिलेगा। प्लस आपकी जितनी भी जिम्मेवारी है वो एसबीआई देखते रहे, घर का पैसा वो देगी, बाकी सब सारी पैसे वो देंगे। तो ये सबसे यूनिक चीज़ है कि पैसा भी अच्छा है, सोशल रिकॉग्निशन भी है, और सब कुछ है। तो क्यों ना पढ़ा जाए इसके लिए? तो हम डेडिकेशन से पढ़ें क्योंकि ये हमारे पास मोटिवेशन का कारण है। वैकेंसी है 2017 वाली देखते हैं, क्योंकि वैकेंसी होगी तब तो हम लगा पाएंगे ना, कि हम कैसे कर पाएंगे इसको। तो टोटल वैकेंसी थी ना 2,313 के करीब में दिख रहा है यहाँ पर, और उसमें 313 बैकलॉग है, यानी कि जो वैकेंसी एग्जैक्ट एसबीआई हर साल निकालती है वो है 2,000, यानी कि वो हर साल 2,000 पीओ को सिलेक्ट करती है। 313 बैकलॉग यानी कि लास्ट साल की, लास्ट ईयर की वैकेंसी जो फिलअप नहीं हो पाई। तो इस साल का भी 200 के करीब में बैकलॉग है, 2017 का 200 बैकलॉग है, यानी कि अगर 2018 में हम वैकेंसी प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो कम से कम 2,220 से 225 के करीब में है। तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी जो होगी वो 2,200 के करीब होगी, यानी कि वैकेंसी में कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? पहले लेंगे प्रीलिम्स, फिर मेंस, और फिर इंटरव्यू, जीडी, ये सब लेंगे। प्रीलिम्स के ऊपर में आ जाते हैं तो इंग्लिश क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, 30 सवाल इंग्लिश के, 35 सवाल क्वांटिटेटिव के, 35 सवाल रीजनिंग के, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है, और मिला जुला के आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि जो बेसिक चल रहा है इसके ऊपर नहीं बात है ना, बेसिक जो अभी भी आप प्रीलिम्स देते हैं उस तरीके का। मेंस में यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ देखने को मिलता है, क्या है कि यहाँ पे हर एक टॉपिक के साथ में या हर एक सब्जेक्ट के साथ में ना एक टाइम लगा दिया गया है, और ये अब IBPS भी फॉलो करे, क्योंकि पहले SBI ने शुरू करा था कि टाइम दे दो कि इतने में आपको ये चीज़ बनाना है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए आपको समय मिलता है 60 मिनट का, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का होगा।
डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, या क्वांटिटी नहीं लिखते इधर पे, केवल और केवल डेटा एनालिसिस ही आता है। 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का समय मिलेगा, 45 मिनट का समय। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग और यानी कि जिसको हम जीए कहते हैं, उसके 40 सवाल होंगे, 40 नंबर के होंगे और 35 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए हमारे पास में 35 सवाल होंगे, 40 नंबर के और 40 मिनट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन और मार्क्स में डिफरेंस है। होता है क्या है पेपर में कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसी तरीके से डेटा एनालिसिस में भी ये होगा कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 1 मार्क्स के होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के होंगे, कम क्वेश्चन यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के होंगे। मीन्स के ऊपर में और डिस्क्रिप्टिव ऊपर में हम लोग एक दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली प्रीलिम्स से फोकस करेंगे, क्योंकि पहले वो करेंगे उसके बाद मीन्स के ऊपर में जाएंगे, तो पहले प्रीलिम्स होगा, तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर बात करेंगे। ये लास्ट ईयर का हमने एक एनालिसिस लिया है कि क्या था, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग इन्होंने अच्छे से प्रिडिक्ट किया था, तो वो मार्क्स क्वेश्चन तो हमने बात किया। अब देख सकते हैं कि इन्होंने दिखाया कि इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट जो है वो 17 से 19 करीब में, और स्कोर जो है 15-17 के बीच में। तो यहाँ पर ये कट ऑफ दिखा रहे थे ना 51-80 के आसपास में, और लगभग एग्जामिनेशन में कट ऑफ भी इतनी ही गई 51.5 के आसपास में। तो आके देखते हैं कि कैसे इसको अचीव किया जाए। ये कट ऑफ है 51.5 जनरल का कट ऑफ 2017 के एग्जामिनेशन का, और इंग्लिश में जो अपना सब्जेक्टिव कट ऑफ है वो है आपको 8.75, क्वांटिटी में 10.25, रीजनिंग में 6.5 के करीब। यानी कि आपको कम से कम इतना भी स्कोर करना होगा। अगर आप ओवरऑल माई कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं और एक में रह जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पढ़ने का। यानी कि आपको तीनों को मिला जुला के चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जनरल के लिए 51.5, ओबीसी के लिए 48.25, एससी के लिए 43.25 और एसटी के लिए 31.29 के करीब में कट ऑफ है। इसको देखा जाए कि कैसे करते हैं और क्या क्या हमारा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एग्जामिनेशन में ना एफिशिएंसी रखना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल होकर बात करें ना, तो मेरे पास में 60 मिनट का समय है और मेरे पास में 100 क्वेश्चन है। हमको एग्जामिनेशन में कोई भी 60 क्वेश्चन पकड़ना है और उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर जाना है। हमको पूरा 100 का 100 नहीं बनाना है। हमको ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में ज़्यादा स्कोर करो तो कोई फ़ायदा होगा। आपको प्रीलिम्स में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, पर साथ साथ स्पीड भी रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स को थोड़ा फास्ट देखना पड़ेगा। आप स्लो हो जाओगे तो शायद आप पीछे रह जाओ। कट ऑफ 50-51 के करीब में अगर रह रहा है, तो आप अगर 60 अटेम्प्ट लेते हो सही से, तो आप एकदम सेफ साइड पे हो। तो आखिर उसको कैसे लिया जाए? तो एग्जामिनेशन में आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको हमेशा उसी चीज़ को पहले बनाना है जो ईजी है। जो हार्ड है उस पर जाकर के समय नहीं बर्बाद करना है। आपको सेलेक्टिव होना होगा कि क्या बनाना और नहीं बनाना है। पहले आपको ये जज करना होगा, और ये जज करने के लिए आपको बहुत सारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे पेपर में पहले क्या बनाएं और कैसे बनाएं। हर आदमी का अपना स्ट्रैटेजी होता है, और आप जैसे मॉक दोगे ना, वो स्ट्रैटेजी आप बिल्डअप कर पाओगे। इधर पे इंग्लिश में अगर हम आ जाए ना, तो देखिए कुछ चीज़ें कहें कि सेंटेंस करेक्शन के ऊपर में। ये 10 मार्क्स का सेंटेंस करेक्शन है और क्लोज टेस्ट है मैं 10 मार्क्स का। अगर हम अपना स्ट्रैटेजी बात करें, जो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन करते थे उस पर बात करें, तो एक ही सजेशन दिया जाता था कि आप रीडिंग कंप्रिहेंशन को थोड़ा अवॉइड कर दो, आरसी पैसेज को अवॉइड कर दो, लेकिन थोड़ा अवॉइड करो, पूरा नहीं। आप देखें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें 10 मार्क्स में ना 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके लिए पैसेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आपका एनोनिम सिनोनिम रहने वाला है या कुछ ऐसा रहेगा ना, जिसको आप पैसेज पढ़ो या ना पढ़ो, फिर भी आप जवाब दे पाओ। तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट करो कि क्या भरी पैसेज ना पढ़े, क्योंकि पैसेज पढ़ने में समय जाएगा। हम उस समय को बचा करके मैथ में डालेंगे, शायद में 2 नंबर ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ से हमको पैसेज में वो 4 क्वेश्चन खोजना है कि जिसको बिना पैसेज पढ़े हम अटेम्प्ट कर पाए। सेंटेंस करेक्शन थोड़ा ग्रामर चाहिए, थोड़ा नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज चाहिए इंग्लिश का। उसको करके भी आप अगर ये सेंटेंस करेक्शन में चलो ज़्यादा नहीं, फिर भी अगर आप 7-8 इतना कम से कम अगर लाते हो, इतना आ जाता है जेन्युइन, तो फिर आप एक अच्छे पोजिशन पे हो। क्लोज टेस्ट जो है वो काफ़ी आसान होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एसबीआई के बारे में बात करो तो ऐसा नहीं कि बहुत ईजी होगा, क्लर्क की तरह नहीं होगा, फिर भी ईजी होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप 6-7 या 7-8 अगर अच्छे से बना पाते प्रिपरेशन के बाद में। अच्छा, इंग्लिश को कैसे करेंगे ना, इंग्लिश के ऊपर में हम लोग एक और क्लास करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे कि इंग्लिश को कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, लोग कट ऑफ ही नहीं निकाल पाते।
इस बार जो UPSPO था कट ऑफ 5 के करीब था, तो इतना टफ किया गया, तो कैसे देखा जाए उसको, उस पर हम लोग भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरह का अप्रोच लेते हैं ना तोड़ करके, और इसमें बहुत से बहुत आपको शायद 10 या 12 मिनट देना है, या आप अगर लगता है कि इसको निकाल सकते हो 15 मिनट दे दीजिए आप, फिर भी आप देख सकते हैं कि लोअर में भी रहें तो 7-7 14 और 4 18, यानी कि कम से कम 15 से 17 नंबर हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया जाए। यानी कि अगर हमारा कट ऑफ 50-51 करीब में है तो उसका एक तिहाई मार्क्स तो इंग्लिश में बहुत आसानी से ले आए, और समय हमने दिया बहुत से बहुत 15 मिनट, यानी कि 1/4 टाइम और 1/3 स्कोर, इससे अच्छा क्या है। तो इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना होगा, इसको हम छोड़ के नहीं चल सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है मैथमेटिक्स का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इजी 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 इधर पे सब जगह पर इजी 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 लिखा हुआ है, तो आसान है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब जो भी चीज़ें हैं ना हमको इसको पहले पकड़ना है। नंबर सीरीज मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होता है आप अगर प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि 150 से 200 बहुत से बहुत 150 के करीब में सेट है नंबर सीरीज का, और वही बार बार पेपर रिपीट होता है, तो आप उन सारे सेट को करके जाएंगे तो कोई ना कोई इसी के बीच से आएगा, या ये आसान होता है कि एग्जामिनेशन में भी क्लिक कर जाए। दूसरा कंपैरिजन दिया गया है, आप देखेंगे कि नया क्वेश्चन आ चुका है कंपैरिजन, लेकिन ये वो कंपैरिजन नहीं है, क्वाड्रेटिक कंपैरिजन है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वाला, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, वो बहुत ईजी है, आप 2 से 3 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे ईजी पार्ट में आता है मैथमेटिक्स में बैंकिंग का। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन को बनाने में ना आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो उससे ज़्यादा लेगा ही नहीं, ये इतना आसान होता है। तो आप अगर ये तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तीनों को एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं प्रैक्टिस, आप पहले जितना प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपका उतना समय बचेगा, और अगर आप तीनों को प्रैक्टिस के बाद अगर 10 मिनट में कवर अप कर पाते हैं, ये हो जाता है, जिनमें हमसे भी हो जाता है और जो लोग अच्छे प्रिपेयर उनसे भी हो जाता है, तो यहाँ पे आप 15 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं, बहुत आसानी से। यानी कि हमने वहाँ पर अगर 15 मिनट इंग्लिश में दिया और हम 15 स्कोर कर रहे हैं, और यहाँ 10 मिनट हम दे रहे हैं और 15 स्कोर कर रहे हैं, यानी कि हमारे स्कोर कहने के 30 के करीब आ चुका है, और मेरे पास में अभी भी 35 मिनट का समय बचा हुआ है। नेक्स्ट आइए, तो पेपर में आप देखेंगे तो 2 DI निश्चित है, 2 DI एकदम गारंटी 2 DI आना है, और ये दोनों 10 मार्क्स के करीब में, ये आता है 2 या 2 से ज़्यादा आ सकता है, और DI सच में इतना आसान होता है कि इसमें गड़बड़ होने का चांसेस ही नहीं, आप गलत नहीं करा, जबरदस्ती भी चाहो ना गलत नहीं होगा। यानी कि नेक्स्ट अगर 10 मिनट यहाँ पे लगाया जाए ना और 10 मिनट दिया जाए, जो कि हमको ज़्यादा ही बता रहे फिर भी, तो मेरा ये दोनों DI बन जाएगा। यानी कि अगर हम 20 मिनट यहाँ पे दे रहे हैं तो मेरा स्कोर हो रहा है करीब में 25 के आसपास में। अब देखिए जब भी एक धारणा क्या है ना कि जब भी लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं ना, लोग इन सब के लिए पढ़ते हैं, इन सब के लिए नहीं पढ़ते, हमेशा से ये देखा गया है। टाइम एंड वर्क एक सवाल आएगा, लोग उसके पीछे पागल की तरह पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एक आएगा, लोग पढ़ते हैं उसको, सिंपल लिटरेस एक ही क्वेश्चन तो आना है ना, एक क्वेश्चन आना है, क्यों पढ़े हम इसके लिए इतना। तो आप क्या करिए, इन सब का बेसिक नॉलेज रखिए, क्योंकि इनसे DI और ये सब बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन आप इन सब क्वेश्चन को अवॉइड करिए। यानी कि अगर आप स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट इन सब क्वेश्चन को अवॉइड करिए, अगर आपके पास में समय है तो आप बनाइए, नहीं तो आप अवॉइड करिए, आप उन सब समय को यूटिलाइज करके इसको बनाइए इन सब टॉपिक। तो आप क्या करिएगा ना, इन सब टॉपिक को कॉपी में लिखिएगा और आप टारगेट करके केवल इनको पढ़िए, इन सब को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 1 मिनट दोगे 1 नंबर आएगा, 2 मिनट दोगे 1 नंबर आएगा, क्या फ़ायदा है। और देखिए पेपर ये भी मॉडरेट है, यानी कि ये ईजी है, ये मॉडरेट है, मॉडरेट थोड़ा तो हार्ड होगा, तो आपको उसको अवॉइड करना है। यानी कि आप यहाँ से 25 लेकर के आ रहे हो, स्कोर हमारा हो गया 40, इंग्लिश में 15 था, यहाँ पे हमारा 25 हो गया, 40 नंबर तो हमारा चुका, और अगर हमने इसमें 20 मिनट भी दिया है तो भी हम अच्छे समय को बचा पाए हैं, यानी कि मेरे पास में रीजनिंग के लिए 25 मिनट का समय है पूरा। एकदम सेम कंडीशन है रीजनिंग में भी, यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, जैसे कि ये 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 और नीचे में सबसे पहला जो टॉपिक बनाना है वो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। ये बहुत इजी है, कोई समय नहीं लेता, बहुत आसान है, आप बनाओगे शायद 3 से 4 मिनट लग जाए, पर 5 का 5 नंबर देगा। आप ये जो आपको पजल दिख रहा है ना, ये सब आप इसको थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं, पहले पहले नहीं बनाना चाहिए इन सबको,
इन सबको पजल को पहले सेट में नहीं, आप इनइक्वालिटी को खोज के बनाइए, आप कोडिंग डिकोडिंग को खोज करके बनाइए। हालांकि यहाँ पे केवल एक ही दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में अगर चार पांच भी आता है कभी कभी, उसको खोज के बनाइए। आप यहाँ पे इनको टारगेट करिए, डायरेक्शन को, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्योंकि ये सब बन जाता है बहुत आसानी से। अब क्या है कि अगर हम देखें कि हम पहले नहीं, कहने का मतलब क्या होगा कि आपको शुरू करना है पेपर जरूर, लेकिन इन सबको बनाना नहीं है पजल्स को, इस सबको आपको छोड़ना है पहले पहले स्टेप में। आपको पहले मैथमेटिकल इनइक्वालिटी बनाना है और ये सब चीज़ों को बनाना है, और ये सब आएगा, ये हर साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा, थोड़ा सा चेंज होके आए लेकिन बेसिक से ही बन जाएगा। फिर भी अगर आप देखें, आप सब लगभग अगर बनाते, मान लेते सही बनाते, फिर भी आप यहाँ से 10 नंबर निकाल पाए, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 हम अटेम्प्ट, 12 नंबर में, चलो मान लेते 10 नंबर कम से कम आ गया, और हमने इसके लिए 10 मिनट इन्वेस्ट करा था, मान लेते हैं उसे ज़्यादा लगेगा भी नहीं, किसी कंडीशन पर नहीं लगेगा। हमारा स्कोर पहले था 40, अब हो गया है हमारा स्कोर 50, और हमारे पास में अभी भी समय बचा हुआ है पूरा का पूरा 15 मिनट का। अब उस 15 मिनट में हमको इसमें से कोई एक पजल को पहले चूज करना है जो कि आसान हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो पजल दिख रहा है इजी टू मॉडरेट है, अब यहाँ तो दिख रहा है एग्जामिनेशन में कैसे दिखेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करके समझना होगा कि क्या हम बना पाए नहीं बना पाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन का पजल आता है ना, वो काफ़ी ईजी आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और पजल को पहले देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़े कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बाहर इन आउट रहता है, या फिर सर्कुलर में बहुत सारा चीज़ फिट कर देते हैं, या मल्टीपल चीज़ दे देते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। आप क्वेश्चन को देखिए कि नहीं, इसमें अगर समय 7-8 मिनट लगेगा, आप अवॉइड करिए, आप इजी क्वेश्चन पर करिए। और अगर आप नेक्स्ट 5 मिनट में 5 नंबर पर ऐड कर पाएँ, तो फिर आपका यहाँ से कम स्कोर हो गया है 15, ठीक है, यानी कि ओवर स्कोर हमारा हो चुका है 55 के करीब में, और मेरे पास में अभी भी 10-12 मिनट बचा हुआ है। फिर हम किसी एक दूसरे पजल को देख सकते हैं। तो लीनियर वाला पजल थोड़ा बहुत आसान होता है, उसको पकड़ सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ, रैंकिंग वाले भी कुछ ईजी होता है। तो इन सब सारे टॉपिक को आप क्या करिए, लिख करके नेट पर सर्च करिए या किसी बुक में सर्च करिए, उसको प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दीजिए। टारगेट लेके चलिए कि मैथ में हमको 25 लाना है, एटलीस्ट बनाना है, अटेम्प्ट तो कम से कम 25 लेना है, एक्यूरेसी 100% के साथ में स्कोर जो आए। रीजनिंग में भी आपको जो अटेम्प्ट लेना है वो 20 के करीब लेना है, या आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपको लगता है आप अच्छा कर सकते हैं, आप और अटेम्प्ट लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 20 होना चाहिए। तीसरा, इंग्लिश में आपका कम से कम जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 15 का, इसके नीचे फिर नुकसान हो जाना है। यानी कि अगर हम 25 और 15 जोड़ तो 40 हो गया 20, यानी कि अगर आप 60 अटेम्प्ट लेते हैं SBI के लेवल के पेपर में, तो आप एकदम 100% मान के चलिए कि आप इसको क्लियर कर रहे हैं। तो आप अभी क्या करें, इन सब टॉपिक को लिख करके इन सब के ऊपर में जितना सवाल हो सकता है उसको करिए, उसको बनाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज नेट पे अवेलेबल है, बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, आप वहाँ से करके, आप समय नहीं दीजिए, आप पजल वजल पे ना, वे जो सर्कुलर पजल होता है इन आउट, उस पर उतना समय नहीं वेस्ट करना, बेकार हो जाएगा पूरा। आप ऐसा ही पजल प्रैक्टिस करिए जो आप एग्जाम में बना पाओ। आपको याद रखिए, आपको क्या बनाना है वो तो पता होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बनाना है वो भी पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे टॉपिक में चले जाते हैं कि जो नहीं बनेगा, और आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, शायद वो 5 मिनट भी गया, और शायद 2 नंबर गया जो आप दूसरे जगह से ला सकते थे, वो 2 नंबर शायद अफसोस ना करें बाद में चल करके। तो आपको सेलेक्टिव होना होगा क्या बनाना नहीं बनाना है। मैथमेटिक्स पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में गलत नहीं होता है, बनेगा तो सही बनेगा। रीजनिंग में कभी कभी क्या होता है कि पजल्स में क्या होता है कि हम बना तो देते लेकिन कभी गलत हो जाता है। तो रीजनिंग को भी ना हमेशा सेफ साइड में लेके चलिए, ऐसे टॉपिक को ही बताइए ना जिसमें पांचों एक दूसरे से लिंक नहीं हो। तो इनइक्वालिटी में ना पांचों लिंक नहीं होते, ठीक है, डायरेक्शन में भी लिंक नहीं होता, यानी कि एक इंडिविजुअल हमने बनाया, अगर एक गलत भी होता दूसरा को नुकसान नहीं हो, लेकिन पजल में क्या हो गया, अगर एक पॉइंट भी किसी को बैठाने में इनवर्ट का आउटवर्ट हो गया ना, वो 5 मार्क्स तक जा सकता है। तो जब वहाँ रिस्क है ना, तो हम उसको उतना ही खेलेंगे ना, रिस्क वाला गेम, तो हमको उस समय को बचाना है। मान लेते हैं कि हम रीजनिंग में 15 ही बनाते हैं, हम बाकी समय दे करके चले जाते हैं मैथ्स में, 2 क्वेश्चन और बना दिया। तो इस तरीके का ना आप अपने में टेम्परामेंट लाओ कि कैसे एग्जाम में शांति से इसको अटेम्प्ट करना है। चलिए मेंस के ऊपर में आ जाए, तो हमने बात किया ना, मेंस में बात नहीं करेंगे अभी, कोई बात नहीं होगी मेंस पे, मेंस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, और मेंस के अलग अलग टॉपिक को थोड़ा लंबा डिस्कस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फेज है, कट ऑफ क्या है, कैसे गया, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे, इंटरव्यू भी बात की जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन है 180 मिनट का, यानी कि 3 घंटे का पेपर है, और आपके पास में केवल 155 सवाल है,
यानी कि समय बहुत है। तो प्रीलिम्स में आपके पास में समय कम है, यानी कि आपको थोड़ा तेज चलना है। मेंस में आपके पास में समय बहुत है, आपको नॉलेज का खेल खेलना है। यहाँ पे आपके पास में जितना नॉलेज होगा आप उतनी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कट ऑफ काफ़ी कम गया इस बार, कट ऑफ कम गया, जीरो गया। 2017 के मेंस का कट ऑफ इंडिविजुअल जीरो गया है और ओवरऑल कट ऑफ 50 के करीब है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 200 में से केवल 50 लेकर के आए हों, शायद वो लोग सेलेक्ट हो गए। तो कैसे आखिर ये हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंटरव्यू के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी, लेकिन रफ देख लेते हैं कि जीडी किया जाता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाता है। ये 20 मार्क्स का जीडी और 30 मार्क्स का इंटरव्यू मिला के 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा टोटल। इसमें आपको ना 20 लाना है कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और 20 नहीं लाते हैं आपका ओवरऑल कितना भी अच्छा स्कोर आया हो, यहाँ पर अगर आपको 18-19 मिलता हो आप सिस्टम से बाहर हो गए, एलिमिनेट हो गए पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस से। और अब रिजर्व कैटेगरी से आपको 18 लाना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर एक चैलेंज उनके लिए भी है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं। अगर वो अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स अच्छा करके स्कोर कोई लग साथ दे दिया, लेकिन अगर वो फिट नहीं ना जॉब के लिए, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि एसबीआई के जॉब में इतना बैकलॉग देखने को मिलता है, 10% से ज़्यादा बैकलॉग है। इस बार देखें तो 2000 में से 350 सीटें बैकलॉग की थी। तो 10% के 15% के बैकलॉग, लेकिन वही कि जो लोग भी फिट नहीं है उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं कि चलना है कि चलो है उससे तो हो जाना है, आपको एफर्ट इधर पे लगाना है। और इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो भी स्कोर होगा ना उसको यहाँ पे वेटेज में लेकर के आएंगे 75:25 के हिसाब पर। तो उस कंडीशन पर आपको इंटरव्यू को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना है, क्योंकि इसके एक एक मार्क्स का दो वैल्यू हो जाने वाला है। कैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं फाइनल कि आखिर मेरे पास में इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है 2018 पीओ में, जो कि प्रोबेबल है और होगा ही ऐसा कुछ। वैकेंसी 2000 से ऊपर होगी, यानी कि 2000 तो कम से कम है, ये तो गारंटीड है। बैकलॉग कितना निकल के आता है वो देखना होगा, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे वो भी बैकलॉग में फिट हो जाने वाले हैं। तो एटलीस्ट बैकलॉग 220 है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी 2300 की थी उसमें से 2100 लोग ही शायद ज्वाइन कर रहे हैं फाइनली, या 2000 लोग का समथिंग का जो रिजल्ट ही निकला हुआ है, यानी कि 300 लोग वैकेंसी तो वहीं खाली हो गई। तो बैकलॉग तो 2300 के करीब में है, तो एटलीस्ट 2000 प्लस सीट है। नोटिफिकेशन फरवरी के महीने में आ जाएगा, जनवरी एंड या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। एक महीने का समय देंगे फॉर्म फिलअप का, यानी कि मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा और अप्रैल मई में प्रीलिम्स कंडक्ट करवा देंगे। हार्डली मई, बहुत से बहुत मई होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ये 4 महीना मेरे पास में प्रीलिम्स के लिए सही से है। काफ़ी समय है, प्रीलिम्स किया जा सकता है, क्योंकि आपको हमने बताया ना सेलेक्टिव पढ़ना ना, आपको बोझ नहीं लेना, आपको ज़्यादा नहीं, आपको ना कोई किताब होता परचेज करना है, आपको केवल टॉपिक है नेट पे सर्च करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालना है। यूट्यूब से आप कर सकते हैं, उस पर बात की जाएगी कि आखिर क्या क्या फॉलो करें, यूट्यूब पे क्या क्या अच्छा चैनल है इसको अटेंड करने के लिए। मेंस जून जुलाई में कंडक्ट कराएंगे, तो पहले प्रीलिम्स पे आएंगे, उसके बाद मेंस के बारे में किया जाएगा। लेकिन एक वीडियो में देखें कि पहले ही कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक है। जीडी इंटरव्यू अगस्त के समय में कंडक्ट होगा और फाइनल रिजल्ट प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर तक लेकर के आ जाएंगे, यानी कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ रहा हुआ है, अक्टूबर तक आपके हाथ में जॉब होगा, यानी कि अगले साल एक साल के भीतर भीतर में आप एसबीआई पीओ बन जाएंगे। तो दूसरे किसी जॉब में इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता। अगर सीजीएल के एग्जामिनेशन देंगे तो 2 साल आप मान के चलिए कि टोटल एग्जामिनेशन में 2 साल लग जाने वाला है। तो इतने अच्छे जॉब को इतने कम समय में अटेन करना अपने में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो जो भी लोग एसबीआई पीओ के लिए लगे हैं वो लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग आगे चल के ढेर सारा वीडियो लेकर के आएंगे अलग अलग टॉपिक पर। मेंस पे भी बात की जाएगी, इंटरव्यू भी बात की जाएगी, और अभी आरआरबी पीओ के आरआरबी और आईबीपीएस के इंटरव्यू के वीडियोस हैं, उसको भी आप देखिए, जो सजेशन हो वो दीजिए कि कैसे इस वीडियो को और अच्छा बनाया जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।